हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावरफुल फैक्ट्स चैनल पर। आज हम हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर के आकार के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, लेकिन हमारे पूरे शरीर के खून और ऑक्सीजन का 20% हिस्सा दिमाग अकेले ही इस्तेमाल करता है। 15 मिनट लगातार सोचने, चिंता करने या तनाव में रहने से आपकी एनर्जी इतनी ख़त्म होगी जितनी यदि आप 1 घंटे लगातार मजदूरी करते हों। अच्छा दोस्तों, किसी से जलन भावना रखना हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, और आज के दौर में यानी कि कोविड काल में इम्यून कितना स्ट्रांग होना चाहिए ये तो हम सब जानते हैं। जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें हृदयाघात का खतरा रहता है, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा रहता है, और ऐसे लोग सामान्य लोगों से ज़्यादा आलसी भी होते हैं। अच्छा दोस्तों, सीटी बजाना शिष्टाचार के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं फेफड़े के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। कद्दू खाना सेहत के लिए अच्छा होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे दिमाग भी तेज़ होता है और दिमाग अच्छी तरह काम भी करता है। एक रिसर्च में ये बात मानी गई है कि कद्दू में पाया जाने वाला विटामिन B6 और मिनरल्स आपके रक्त में मौजूद शर्करा को तेज़ी से ग्लूकोज में बदलते हैं, और ग्लूकोज अकेला ऐसा तत्व है जिसका सेवन मस्तिष्क सीधे करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉफ़ी पीने से डिप्रेशन दूर होता है। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन के निगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि दिन में 4 कप कॉफ़ी पीने से डिप्रेशन दूर होता है। दोस्तों, आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन ये सच है। सेब खाना ही नहीं, सूंघना भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक स्टडी की माने तो रोज़ ग्रीन एप्पल सूंघने से क्लास्ट्रोफोबिया, सिर दर्द और माइग्रेन से भी बचा जा सकता है। इसलिए अब सेब सिर्फ खाना ही नहीं है, इसे सूंघना भी है। दोस्तों, रक्तदान करने से किसी की जान तो बचाई ही जा सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं रक्तदान करने वालों को कैंसर और दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। बारिश में के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।